नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। मैं स्वागत करता हूं आपका हैकिंग बिगिंस के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए हैक करते हैं। वेल दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ओवर द वायर बैंडिट के थर्ड पार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ऑलरेडी ही पब्लिश कर चुका हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए हैक करते हैं। वेल दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे सेवेंथ पार्ट से। अगर आपको पता हो तो मैं अपनी पहली वीडियोस में सिक्स लेवल तक कवर कर चुका हूं, और आज का जो लेवल है वो है लेवल सेवन। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर डिस्क्रिप्शन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन data.txt नेक्स्ट टू द वर्ड मिलियन। ओके, सो मुझे ये काफी इजी लग रहा है। यहां पर कहा ये जा रहा है कि जो आपका पासवर्ड है वो है data.txt में, और जो वर्ड जिससे वो शुरू होता है वो है मिलियन। तो चलिए सबसे पहले हम अपना कंसोल यहां पर ओपन करते हैं, और यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं मैं ऑलरेडी बैंडेड 7 पर हूं। यहां पर हम लिखते हैं ls -la, और आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास data.txt फाइल है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं cat data.txt। ओके, तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं काफी ज्यादा जो वर्ड्स हैं हमारे पास हैं, और यहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया था कि जो वर्ड जिससे वो शुरू होता है वो है मिलियन। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना होगा फिर से cat स्पेस data.txt पाइप, और यहां पर अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा grep और मिलियन। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास वर्ड आ गया है, और ये है आपका पासवर्ड। यहां पर करते हैं फिर से ssh bandit8@localhost, लिखिए yes, और ये पासवर्ड हम यहां पर ऐड कर देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर। पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि हम नेक्स्ट लेवल कैसे क्रॉस करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें आपके साथ शेयर करता रहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।